राज्यसभा सांसद अमर सिंह और सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस तकरार में अमर सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी घसीट लिया है। आजम खान को क्लीन चिट देने पर भड़के अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश ने आजम खान का पक्ष लेकर प्रदेश के हिंदुओं को नाराज किया है। अमर सिंह और आजम खान के बीच सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने आजम खान पर उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। अमर सिंह ने कहा था कि आजम खान मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी बेटियों पर तेजाब से हमला करने की धमकी दी गई है। इसे लेकर अमर सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में FIR भी दर्ज कराई थी। आजम खान के खिलाफ इस केस को समाजवादी पार्टी ने BJP की साजिश करार दिया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि आजम खान ने कुछ नहीं किया। वहीं अखिलेश के इस बयान के बाद अब अमर सिंह का गुस्सा और भड़क उठा है और इस विवाद को धर्म से जोड़ते हुए उन्होंने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। अमर सिंह ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अखिलेश ने एक बार फिर आजम खान का पक्ष लेते हुए FIR को साजिश बताया। अमर सिंह ने कहा कि मैंने कोई बयान दिया ही नहीं, लेकिन सच तो यह है कि पुलिस ने एक TV चैनल की रिकॉर्डिंग देखने के बाद पर्याप्त सबूतों के आधार पर FIR दर्ज की है। पुलिस ने पूरी रिकॉर्डिंग के आधार पर आजम खान के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है, जिसमें सच्चाई सामने आने पर उन्हें 13 साल के लिए जेल जाना होगा। अमर सिंह ने कहा कि आजम को क्लीन चिट देकर अखिलेश ने हिंदुओं को नाराज किया है। अखिलेश के बयान से साफ है कि समाजवादी पार्टी अब नमाजवादी पार्टी बन गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।